वो पांच जिले क्या क्या है पहला मोहिला मानपुर मोहिला मानपुर जो जिला बना वो कब बना दो सितंबर 2022 फिर तीन सितंबर 2022 को दो जिले बने क्या क्या खैरागढ़ और सारंगढ़ ठीक है तो खैरागढ़ सारंगढ़ कब बने तीन सितंबर को और दो सितंबर को क्या बना है मोहिला मानपुर Osionfish. और 9 सितंबर को दो जिले बने एक आपका मनेन्द्रगढ़ और एक अब क्या है शक्ति तो आज विदान में एक कुल मिलाकर हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई तैतीस उन तैतीस जिलों में हमारा जो ये जिला है उसका नाम तैसतीसवे क्या है नंबर का क्या है जिला है कौन सा मनेन्द्रगढ़ जिला तो मनेन्द्रगढ़ जिला कौन सा जिला है ये ये बत्तीसवे नंबर का यह जिला है और ये बत्तीसवे नंबर का जिला है तो इसका स्थापना कब हुआ है नौ सितंबर 2022 तो 9 सितंबर 2022 को यह जिला क्या हुआ इस जिले का क्या हुआ निर्माण हुआ और अगर यह जिला बना है तो यह जिला किस जिले से अलग होकर बना है तो कोरिया जिला से तो कोरिया से अलग होकर एक नया जिला बना नाम क्या है मनेन्द्रगढ़ जिला तो यह तीन पॉइंट आपको याद रखना है कि मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया से अलग हुआ मनेन्द्रगढ़ जिला आपके छत्तीसगढ़ का बत्तीसवें क्या है जिला है और जो मनेन्द्रगढ़ है इसका स्थापना कब हुआ है नौ सितंबर दो हजार बाईस कब हुआ है नौ सितंबर दो हजार बाईस अब ये ध्यान देना अगर ये हमारे शानदार जिला कौन सा है मनेन्द्रगढ़ तो मैप बना लेते हैं अपन कुछ एक ऐसा मैप बनेगा

वो तीन भाग क्या है कि ये इसका जो उत्तर का जो भाग है इसके उत्तर के भाग हम बोलते हैं भरतपुर ये क्या है, है खड़गवा तो कुल मिलाकर आप देखते हो कि आपके मनेन्द्रगढ़ जो जिला है इस मनेन्द्रगढ़ जिला में कुल मिलाकर तीन, तीन खंड है और वो तीन खंड का क्या है भरतपुर मनेन्द्रगढ़ और खड़गवा और क्या है खड़गवा ये तीन खंड है और इस तीन खंड को हम तीन विकास खंड बोलते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके मनेन्द्रगढ़ जिला में कुल मिलाकर तीन विकास खंड है या हम यह बोल सकते हैं कि जो कोरिया, जो कोरिया 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 जिला था उस कोरिया जिले के तीन विकास खंड को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया नाम क्या है मनेन्द्रगढ़ और कोरिया जिले के जो तीन विकास खंड थे वो क्या कहते खड़गवा मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर और क्या है भरतपुर इस तीन विकास खंड को मिलाकर हमने एक नया जिला का नाम दिया नाम क्या है मनेन्द्रगढ़ और क्या भरतपुर चिरमिरी जिला अब ये ध्यान देना अगर ये तीन विकास खंड है तो इन्हीं तीन विकास खंड में अगर आप देखोगे तो का ये जो पूरा भाग है है इस पूरे भाग को हमने एक तहसील बनाया नाम मनेन्द्रगढ़ जिले के या भरतपुर भरतपुर का भरतपुर विकासखंड का ये जो भाग है ये तहसील बना जिसका नाम है कोटाडोल और आपके खड़गवा का ये जो एरिया है ये भी एक तहसील बना नाम है चिरमिरी नाम क्या है चिरमिरी तो यहां पर हमारे पास तहसील की जो संख्या कितनी है छह है और वो छह तहसील का क्या है भरतपुर कोटाडोल है मनेन्द्र चिमिरी और खड़गावा तो तहसील कितने हुए बॉस तहसील कितने छह है और विकासखंड कितने हैं कितने है तीन ना कलर कर लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा तहसील नए नए बनते रहते हैं विकास खंड जो है वो केंद्र सरकार बनाता है तहसील जो है वो राज्य सूची में आता है तो राज्य हमेशा नए नए तहसीलों का निर्माण करते रहता है

आपका केलहारी और अगर ये केलहारी है तो ठीक यहां पर क्या है मनेन्द्रगढ़ और अगर ये मनेन्द्रगढ़ है तो आपको ये मालूम है कि मनेन्द्रगढ़ नीचे यहां पर क्या है चिरमिरी और यदि चिरमिरी है तो यहां पर क्या है खड़गवा क्या आपका खड़गवा तो कुल मिलाकर यहां पर तहसीलों की संख्या कितनी हो गई कितनी हो गई छिकासंड कितने है? तीन और जो तीन विकासखंड है वो तीन विकासखंड का नाम क्या क्या है भरतपुर और क्या और क्या खड़गावा तो भरतपुर मनेन्द्रगढ़ और खड़गावा मिलकर क्या बन गए हैं क्या बन है? ये तो की संख्या कितनी हो गई है तीन बस ये ध्यान देना ये पूरे क्या है विकासखंड तीन यहां पर क्या है विकासखंड और यहां पर छह क्या है तहसील है दूसरी बात आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर ये हमारा एक शानदार जिला कौन सा है मनेन्द्रगढ़ तो ये जो मनेन्द्रगढ़ जिला है ये अपने पूरे उत्तर में ये अपने पूरे उत्तर में एक जिले को एक राज्य को स्पर्श करेगा और ये जो राज्य होगा उत्तर है क्या पूरा अपने पूरे उत्तर और अपने पूरे उत्तर से लेकर अपने पूरे क्या पश्चिम के क्षेत्र को इस पूरे क्षेत्र में ये एक राज्य को स्पर्श कर देता है और ये जो राज्य है इस राज्य का नाम क्या है तो मध्य प्रदेश ये तो ये पूरा भाग किसका हो गया

कांकेर, पेंड्रा क्या है पेंड्रा तो इधर में क्या है पेंड्रा गोरेला मरवाही ये भी नया बना है ठीक है तो पेंड्रा गोरेला मरवाही तो नीचे में क्या है पेंड्रा गोरेला मरवाही इधर में क्या है मध्य प्रदेश है और यदि हमारे सांदा जिला कौन सा है मनेंद्रगढ़ तो ये ध्यान देना होगा कि मनेन्द्रगढ़ जिला अपने इस एरिया में अपने दक्षिण पूर्व में भी एक जिले को स्पर्श कर जाएगा और ये जिला क्या है तो कोरबा है तो इधर में क्या आएगा कोरबा जिला ठीक है और अगर ये हमारा क्या है मनेन्द्रगढ़ जिला है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि मनेन्दगढ़ जिला अपने पूरे के पूरे कहां पर पूर्व में एक जिले को स्पर्श करेगा इसका नाम क्या है? तो क्या है कोरिया तो ये पूरा भाग किसका हो गया कोरिया का और यदि ये कोरिया है तो आपको यह भी ध्यान देना होगा कि ये अपने इस एरिया में एक और जिले को स्पर्श कर जाएगा जिसका नाम क्या है सूरजपुर हालांकि जो अभी नया एक मैप आया है उसमें सूरजपुर को स्पर्श करता हुआ नजर नहीं आ रहा है लेकिन ये सूरजपुर को स्पर्श करेगा इसलिए करेगा क्योंकि इसका जो नीचे का जो विकास विकासखंड वो क्या है खड़गवा और खड़गवा जो है वो पहले सूरजपुर को स्पर्श करता था यदि खड़गवा हमारे कहां पर आ गया है मनेन्द तो इसका मतलब मनेन्द्रगढ़ जो है वो खर, वो सूरजपुर को स्पर्श करेगा तो कुल मिलाकर ये कितने कितना सूरजपुर तो कि चार। मतलब चार कोरबा और गोरेला पेंड्रा मरवाही और एक ये राज्य व सीमा बनाएगा किसे मध्य प्रदेश कौन आपका मनेन्द्रगढ़ जिला ठीक है तो मनेन्द्रगढ़ जिले की स्थापना कब हुई है सितंबर 2022 ये यह आपके छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का जिला है बत्तीसवें नंबर का जिला है और यदि ये आपके छत्तीसगढ़ का बत्तीसवें जिला है तो इस जिले में कितने विकास खंड है तीन और तीन विकास तो तहसील कितने हैं? छह और जो छह तहसील क्या क्या है भरतपुर कोटाडोल कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और खड़गवा और क्या आपका खड़गवा क्लियर कहानी अभी ध्यान दें

होते हुए कहा जाएगा जसपुर और जसपुर से फिर वो कहा है जाएगा घोलेंगोल झारखंड से, लोदाम। लोदाम से, तो से, से तो मध्य प्रदेश को झारखंड से जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे कौन सा है एनएच फोर्टी थ्री और जब मध्य प्रदेश से आप झारखंड जाओगे तो रास्ते में क्या मिलेगा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला तो मनेन्दगढ़ कोरिया सूरजपुर सरगोजा और जसपुर तो ये रास्ते में जाने वाला एक नेशनल हाईवे कौन सा है एनएच फोर्टी थ्री अभी ध्यान देना तो अगर हम बात करें एनएच फोर्टी थ्री की तो ये कहां से आ रहा है मध्यप्रदेश से आ रहा है और कहा जा रहा है ये मनेंद्रगढ़ कहां जाएगा ये मनेंद्रगढ़ तो ये आपका एक रोड हो गया जो मनेंद्रगढ़ जा रहा है अब मनेन्द्रगढ़ से ये कहां जाएगा बैकुंठपुर कहां जाएगा ये बैकुंठपुर और ये जो नेशनल हाईवे का नाम क्या है एनएच फोर्टी हो गया आपका 43 नेशनल फोर्टी थ्री नेशनल क्रमांक तिरालीस कहां, कहां जा रहा है मध्य प्रदेश से झारखंड क्या होते हुए होते हुए तो ये ध्यान देना तो ये एक नेशनल हो गया इसके अलावा आज वर्तमान जहां आप बैठे हो बिलासपुर अगर आपको बिलासपुर से मनेन्द्रगढ़ जाना है तो बिलासपुर जब मनेन्द्रगढ़ जाएंगे तो हमको एक स्टेटेंगे इसी SH8 से आप कहाँ जा सकते हो ये ये जो SH8 है बिलासपुर के सकरी से बिलासपुर के सकरी से निकलता है और इस सकरी को जोड़ता है किसे भरतपुर से तो सकरी से भरतपुर कहा सकरी से भरतपुर जाने का जो रास्ता कौन सा है स्टेट हाईवे क्रमांक आठ कौन सा आपका स्टेट हाईवे क्रमांक आठ तो आपका एक स्टेट हाईवे मिलेगा कौन सा एस एच एट और इसी एस एच एट से आप बिलासपुर से कहा जाओगे

8 SH8 से अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली आप अगर केंदा के आगे आप जाने वाले हो तो मतलब आप कहां जाने वाले हो गोरेला पेंड्रा मरवाही तो गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला होते हुए हम कहां जाएंगे खड़गवा जाएंगे कहां जाएंगे हम खड़गवा और खड़गवा से हम कहां जाएंगे चिरमिरी और वहां से हम कहां जाएंगे भरतपुर कहां जाएंगे हम भरतपुर ठीक है और ये जो रोड है इसका नाम क्या है SH8 नाम क्या है SH8 तो एक नेशनल हाईवे है

पेंड्रा फिर मरवाही होते हुए कहा खावा कहा खड़गावा फिर खड़गावा से कहा चिरबिरी और चिरबिरी से कहा भरतपुर तो ये भरतपुर की और जाने वाला ये एक स्टेट हाईवे नाम क्या है SH8. तो एक है कौन सा एनएच फोर्टी थ्री और एक स्टेट हाईवे कौन सा है एस एच एट क्या नाम है एस एच एट और इन दोनों के माध्यम से आप जा रहे हो कहां पर मनेन्द्रगढ़ जिला ठीक है अब ये ध्यान देना इसके अलावा भी आपको एक स्टेट हाईवे मिलेगा और ये जो स्टेट हाईवे है

एस एच थ्री क्या नाम है एस एच थ्री तो एक और स्टेट हाईवे कौन सा हो गया एस एच थ्री तो दो स्टेट हाईवे एस एच एट और क्या है एस एच थ्री और एक नेशनल हाईवे कौन सा है एन एच फोर्टी थ्री तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको आपको मनेन्द्रगढ़ जिला जाना है तो मनेन्द्रगढ़ जिला जाने के लिए कौन कौन से स्टेट हाईवे है एस एच थ्री और एस एच एट और कौन से नेशनल हाईवे है एन एच फोर्टी थ्री क्या है एन और कितने यहां है विकासखंड हैं तीन और कितने तहसील है छह और छह तहसील कौन कौन से हैं? भरतपुर बोलना पड़ेगा भरतपुर कोटाडोल मनेन्द्रगढ़ केल्हारी चिरमिरी और खड़गवा और क्या है खड़गावा तीन बातें क्लियर है पक्का डन चलो तो ये ऊपर में क्या है एस तो इसी ऊपर समझाते हैं एस से और देखते हैं कि हमारे शानदार जिला मनेन्द्रगढ़ में क्या मिलता है तो ध्यान देना तो मैंने एक रोड बनाया नाम क्या है एस एस थ्री तो मान लो ये आपका क्या है एस एस थ्री तो अगर ये एस एस थ्री तो आपको ये मालूम है कि एस एस थ्री से आप कहां जाने वाले हो भरतपुर कहां जाने वाले आप भरतपुर इसी भरतपुर के पास क्या है जनकपुर क्या है जनकपुर इसी जनकपुर के रास्ते में आप आगे बढ़ोगे तो यहां मिलेगा सोनहट क्या मिलेगा आपको सोनह और जब सोनहट जाओगे तो सोनहट से पहले आपको यहां जगह मिलेगा कोटाडोल क्या मिलेगा कोटाडो और जैसे आप कोटाडोल पहुंच जाओगे तो समझ जाना आप कोटाडोल पहुंचे हो तो मतलब यहां से चालू हो जाएगा क्या चिरमिरी ये ये क्या कोरिया जिला तो ये एरिया जिला तो एरिया कौन सा है कोरिया जिले का मतलब हमको सोनट सोनट जाना नहीं है क्योंकि अगर जाओगे तो चालू क्या हो जाएगा कोरिया क्या चलू हो जाएगा कोरिया अगर वो कोरिया है तो ये क्या है मध्य प्रदेश है तो इधर में क्या आपका मध्य प्रदेश ठीक है तो मध्य प्रदेश से एक क्या रहा है स्टेट हाईवे आ रहा है नाम क्या है एस एस थ्री और इसी ऐसे स्त्री से आप कहां जा रहे हो भरतपुर और आगे में कहा कोटाडोल और भरतपुर कोटाडोल के पास में क्या है जनकपुर क्या आपका जनकपुर तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर क्या है भरतपुर है तो ये क्या हो गया आपका भरतपुर ये क्या हो गया आपका जनकपुर और ये हो गया क्या आपका कोटाडोल और ये भरतपुर जनकपुर और कोटाडोल के आगे में क्या है सोनहट कहा है सोनहट अगर आप सोनहट जाओगे तो समझ जाना आप कहा चले गए हो कोरिया चले गए हो कहा चले गए हो आप कोरिया अब दूसरी बात ये ध्यान देना कि जब आप यहां पर जाओगे तब तो ये पाओगे कि यहां पर एक आपको मंद, एक क्या मिलेगा पहाड़ मिलेगा और इस पहाड़ को हम बोलते हैं चांग बखार की पहाड़ी क्या पहाड़ी ये चांग बखार पहाड़ी तो आपको यहां पर चांग बखार श्रेणी मिलेगा चांग बखार पहाड़ी को हम बोलते हैं बलंद पहाड़ क्या बोलते हैं इसको हम बलंद पहाड़ तो यहां पर जो चांग बखार पहाड़ी है चांग बखार श्रेणी इसी चांग बखार पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं बलंद पहाड़ क्या बोलते इसको हम बलंद पहाड़ तो कोरिया या मरेंदगढ़ जिले के उत्तर में जो आपको पहाड़ी श्रेणी मिल रही हो क्या है चांग बखार, बखार पहाड़ी को हम क्या बोलते हैं है? तो है? है? तो बो है, इस एरिया में आपको एक पहाड़ मिल जाएगा और यह जो पहाड़ी क्या है बलंद पहाड़ी और यह बलंद पहाड़ी किस श्रेणी में आता है चांग बखार श्रेणी में आता है किस श्रेणी में आता है चांद बखार क्या पहाड़ी भरतपुर 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 आपको एक मंदिर मिलेगा और ये जो मंदिर है इसका नाम है चांग देवी का मंदिर क्या मंदिर है चांग देवी का मंदिर और आपको ये ध्यान देना होगा कि इस बार चांगी का मंदिर पूछा था तो उसका उत्तर क्या था कोरिया कि उस समय वो जिला क्या था कोरिया था और अब ये जिला क्या हो गया बदल गया है अब ये जिला कोरिया से एक नया जिला बन गया है। कौन सा मनेन्दगढ़ तो अब चांग देवी मंदिर कहां मिलेगा आपको मनेन्द्रगढ़ में तो मनेन्द्रगढ़ में क्या है चांग देवी मंदिर क्योंकि मनेन्द्रगढ़ में नहीं ये कहां पर है भरतपुर तो आपको यह ध्यान देना होगा कि चांग बखार एक देसी रियासत भी है और जो चांग बखार देसी रियासत है वो में भरतपुर देसी रियासत है तो वो देसी रियासत का जो किला है वो कहां पर है भरतपुर में है है कहां पर कहा भरतपुर में भरतपुर में एक शानदार मंदिर है कौन सा चांग देवी का मंदिर क्या मंदिर है वहां पर चांग देवी का मंदिर तो आपको यह ध्यान देना होगा तो जब आप ये भरतपुर जाओगे तो इसी भरतपुर के पास इसी भरतपुर के पास आपको एक नदी मिलेगी तो यहां पर बहती हुई एक नदी मिली मिलने वाली है आपको और ये जो नदी है इसका नाम है गोपत नदी नदी ये गोपत नदी और इसी गोपत नदी से यहीं पर एक नदी मिल जाएगी इसका नाम है पतले नदी नाम क्या है पतले तो जो भरतपुर जनकपुर है ये दो नदी के संगम में है और दो नदी क्या है आई एम सॉरी बनास है क्या है बनास नदी और पतले नदी क्या बोलो आप बनास नदी और पतले नदी के संगम में क्या है भरतपुर और क्या जनकपुर तो भरतपुर और जनकपुर आजू बाजू है और भरतपुर और जनकपुर में दो नदी का संगम आपको मिल जाएगा नाम क्या है बनास नदी और पतले नदी क्या बोलो बनास नदी और पतले नदी और तो मैं बात करूं किसकी बनास नदी की किसकी बनास नदी की तो ध्यान देना ये जो बनास नदी है इस बनास नदी का जो उद्गम है जो बनास नदी का जो उद्गम है वो मंजटोली है वो क्या है मंजटोली तो कोरिया के सोनहट में एक जगह है नाम है मंजटोली मंजटोली पहाड़ी से एक नदी का उद्गम है नाम क्या, है? बनास। नाम क्या है? बनास। तो बनास नदी का उद्गम क्या, है? टोली। क्या आपका? और जो बनास नदी है ये बनास नदी से क्या मिलती है पतले नदी क्या मिलती है पतले नदी और ये बनास नदी से पतले नदी कहा मिलती है कहा मिलती है भरतपुर जनकपुर में तो भरतपुर और जनकपुर किस नदी के संगम में है बनास नदी और पतले नदी क्या बोलो बनास नदी और पतले नदी के संगम में क्या है भरतपुर जनकपुर ध्यान जब हम पढ़ेंगे कि आपका कोरिया तो हम कि भाई यहां पर भी एक और नदी है जिसका नाम है गोपत नदी और गोपत नदी का जो उद्गम है वो दरअसल क्या है तो वो आमा पानी है ये अभी नहीं पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे बाद में जब हम पढ़ेंगे क्या कोरिया जिला बस अभी ध्यान दो यहां पर दो नदी का संगम मिल गया भरतपुर जनकपुर में कौन सा पतले और बनास ठीक है तो यहां पर इस मैप में मैं बना सकता हूं यहां पर और मैं बोल सकता हूं कि भाई यहां पर दो नदी का संगम हो जाएगा क्या किया तो ये क्या है पतले और यहां से क्या रही है बनास ठीक ठीक है है तो दो नदी का ये क्या हो गया संगम हो गया कौन सा आपका भरतपुर और जनकपुर अब आइए क्या भरतपुर में तो मैंने बताया भाई भरतपुर में तो एक है क्या शानदार मंदिर है कौन सा चांग देवी का मंदिर और दो नदी का यहां पर क्या है संगम भी है और यहाँ पहाड़ है कौन सा बलंद पहाड़ क्या पहाड़ यहां पर बलंद पहाड़ जब आप इस भरतपुर और जनकपुर की आप आगे बढ़ोगे तो भरतपुर और जनकपुर की जब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर दर्शन होगा श्रीराम का और श्री राम आपको बोलेंगे, मैंने अपने चौदह वर्ष के वनवास के दौरान अपना अधिकांश वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताया है लगभग मैं दस वर्ष कहा रहा हूं छत्तीसगढ़ में रहा हूँ और जब मैं छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था तो सबसे पहले मैं यहीं से प्रवेश किया था मतलब इसी भरतपुर वाले क्षेत्र से ही मैं यहां पर क्या किया था प्रवेश किया था अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान और जब मैं प्रवेश किया तो यहां पर मुझे एक जगह मिला है जिसका नाम क्या है हर चौका नाम क्या है हर चौका तो ध्यान देना जब कभी भी आप यहां जाओगे तो यहां पर एक शानदार जगह है नाम क्या है हर चौका नाम क्या है हर चौका तो पहले आपको एक जगह मिलेगा नाम है हर चौका हर चौका के ठीक आगे में आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है घगरा और घगरा के ठीक आगे में आपको एक जगह मिलेगा नाम है छतौड़ा नाम क्या है छतौड़ा तो यहां पर तीन जगह मिलेगा लगातार तीन कंटिन्यू एक जगह मिलेगा भरतपुर के भरतपुर से कोटाडोल आप जाओगे तो भरतपुर से कोटाडोल के मार्ग में आपको ये तीन जगह मिलेगा या जनकपुर से कोटाडोल के मार्ग में आपको तीन जगह मिलेगा नाम क्या है हर चौका घगरा और छतौड़ा और इसी हर चौका घगरा और छतौड़ा को हम बोलते हैं सीतामढ़ी गुफा क्या बोलते हैं सीतामढ़ी गुफा में इसका नाम जाता है सीतामढ़ी हर चौका गुफा सीतामढ़ी घगरा गुफा और सीतामढ़ी छतौड़ा गुफा तो यहां पर तीन गुफा है नाम क्या है सीतामढ़ी हर चौका गुफा सीतामढ़ी घगरा गुफा और सीतामढ़ी क्या गुफा छतौड़ा गुफा क्या गुफा है छतौड़ा और ऐसा कहा जाता है श्री राम जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे तो सबसे पहले इन्हीं क्षेत्र में ये प्रवेश किए थे और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब पचहत्तर ऐसे स्थल है आपके छत्तीसगढ़ में जिसका उन्होंने चिन्हांकित किया है कि ये क्या है राम राम वन गमन क्या है मार्ग में आता है ऐसे कितने क्षेत्र हैं 75 उन 75 में अभी नौ क्षेत्र का उन 75 में अभी नौ क्षेत्र का क्रियाकलाप हो रहा है उन नौ क्षेत्र को हम क्या कर रहे हैं उसको हम टूरिस्ट सर्किट से जोड़ रहे हैं कितने नौ क्षेत्र में।, में, में कितने नौ नौ को अभी हम क्या कर रहे हैं? कि नौ पर्यटन में, में से नौ तो ये पहला चरण है फिर दूसरे चरण में अन्य को बनाएंगे तो उस पहले चरण में एक आपका हर चौका भी है क्या आपका हर चौका नौ में एक क्या है हर चौका ध्यान देना एक आपका हर चौका है फिर आपकी एक रामगढ़ की पहाड़ी कहां पर सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी के अलावा शिवरी नारायण है कहां का जांजगीर चांपा का शिवरी नारायण के अलावा तुरतुरिया है कहां का बलोदा बाजार का तो क्या क्या हुआ हर चौका रामगढ़ की पहाड़ी और शिवरी नारायण और क्या तुरतुरिया तुरतुरिया के अलावा चंद्रखोरी एक्चुअली चंद्रखोरी से ही प्रारंभ हुआ है मतलब हमने जो पर्यटन स्थल बनाना प्रारंभ किया, किया है कहां से किया है चंद्रखोरी से ही तो चंद्रखोरी कहां पर है रायपुर में तो रायपुर का क्या चंद्रखोरी और रायपुर का चंद्रखोरी के अलावा और धमदरी के सिहावा जगदलपुर और जगदलपुर के अलावा क्या आपका सुखमा का राजा राम तो इस प्रकार इस से नौ ऐसे जगह है जिसको हम क्या रहे हैं एक टूरिस्ट सर्किट रूप से बना रहे हैं किस लिए राम वन गमन पथ के रूप में ठीक है जहां जहां पर वो जहां से से मतलब जो चालू कहां से हुआ है चंद्रखोरी से लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर श्री राम छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे तो उनका जो प्रवेश द्वार था वो क्या था हर चौका था क्या था आपका हर चौका और हर चौका के बाद वो कहां गए कहा थे, कहा थे? छतौड़ा तो याद रखना जो दूसरा जो चरण होगा वहां ये दोनों स्थल को हम क्या करेंगे निर्मित करेंगे टूरिस्ट सर्किट के रूप में ठीक है तो पर तीन जगह है जहां श्री राम आए थे और वो तीन जगह क्या क्या है हर चौका घाघरा और छतौड़ा इसीलिए इन तीनों जगह को मिलाकर हम बोलते हैं क्या कि ये तीन हमारा सीतामढ़ी का गुफा है इसीलिए इन गुफाओं का नाम क्या है सीतामढ़ी हर चौका गुफा सीतामढ़ी घाघरा गुफा और सीतामढ़ी छतौड़ा गुफा क्या है छतौड़ा गुफा तो ये तीन गुफा मिल गए आपको कहां पर जनकपुर के पास ठीक है अब ये ध्यान देना जो ये तीन गुफा जाओगे पहले आप जाओगे सीतामढ़ी हर चौका गुफा तो जब आप सीतामढ़ी हर चौका गुफा जाओगे तो आपको ध्यान देना होगा कि सीतामढ़ी हर चौका गुफा में जैसे ही प्रवेश करोगे तो प्रवेश करते साथ वहां पांच कक्ष आपको मिलेंगे कितने कक्ष मिलेंगे वहां पर पांच कक्ष उन पांच कक्ष में ऐसा होगा कि आपके एक कक्ष आपको ऐसा नजर आएगा जहां पर आपको क्या मिलेगा रसोई मिलेगा और ऐसा कहा जाता है कि सीता माता का ये क्या है रसोई है इसीलिए इसको बोलते हैं सीता का रसोई क्या है हरी का चौका क्या है हरी के लिए हरी के लिए चौका और जहां चौका होगा वहां क्या होगा रसोई होगा तो ये क्या है सीता का रसोई तो सीता माता का रसोई हम क्या बोलेंगे सीतामढ़ी हर चौका उसी सीतामढ़ी हर चौका के आगे में क्या है सीतामढ़ी घगरा और सीतामढ़ी घगरा में एक नदी बहती नाम है रपा नदी नाम क्या है रपा नदी तो रापा नदी यहां बहती है क्या बहती है यहां पर रापा नदी और इसी रापा नदी के किनारे में यहां पर भी एक गुफा है नाम क्या है सीतामढ़ी घगरा और सीतामढ़ी घगरा जो रापा नदी के किनारे है वहां पर भी आपको क्या मिलेगा एक गुफा मिलेगा और गुफा के अंदर में यहां कुंड मिलेगा और नाम क्या है सीता कुंड नाम क्या है सीता कुंड ठीक है तो घर कहां पर है रसोई कहां पर है हर चौका में और कुंड कहां पर है कहां पर है घगरा में कहां पर है घगरा में ठीक है और इसके अलावा फिर कहा जाओगे आप सीतामढ़ी छतौड़ा और सीतामढ़ी छतौड़ा चा, में राम और सीतामती सीता थी विश्राम की विश्राम किया यहां पर स्नान किया और ये क्या है रसोई है और ये तीनों को मिलाकर हमने क्या बोला सीतामढ़ी हर चौका सीतामढ़ी घगरा और सीतामढ़ी छतौड़ा और याद रखना श्री राम हमेशा महादेव का उपासना करते हैं इन तीनों गुफा में हमें क्या मिलेगा शिवलिंग क्या मिलेगा में शिवलिंग ठीक है तो आप बताओ कि छत्तीसगढ़ में श्री राम ने कहा से प्रवेश किया था तो हर चौका से तो छत्तीसगढ़ में हर चौका नामक स्थल से ही श्री राम ने क्या किया प्रवेश किया और इसी हर चौका को हमने क्या बोला सीतामढ़ी हर चौका और ऐसे सीतामढ़ी गुफा आपके मनेंद्रगढ़ जिले में कितने हैं तीन है और वो तीन गुफा का नाम क्या क्या है सीतामढ़ी हर चौका सीतामढ़ी घाघरा और सीतामढ़ी क्या है छतौड़ा क्या है छतौड़ा तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई यहां पर एक नदी बह रही है कौन सी रपा नदी क्या बह रही है रपा नदी और आपको मालूम है कि यहां पर लगातार तीन आपको क्या मिलेंगे स्पॉट मिलेंगे एक क्या सीतामढ़ी हर चौका एक क्या है सीतामढ़ी घगरा और एक क्या है सीतामढ़ी छतौड़ा क्या है सीतामढ़ी छतौड़ा ये तीन स्थल आपको मिल जाएंगे आपके प्यारे कहां पर मनेन्द्रगढ़ में और ये तीन गुफा का नाम क्या है सीतामढ़ी गुफा जो कि श्री राम जी का ये क्या है प्रवेश द्वार है है क्लियर कहानी ठीक ठीक ध्यान देना मैंने ये बताया कि भाई ऊपर में एक पहाड़ है नाम कौन सा बलंद पहाड़ और जब इस बलंद पहाड़ में जाओगे तो इसी बलंद पहाड़ के नीचे में आपको जगह मिलेगा नाम है मुरेरगढ़ नाम क्या है मुरेरगढ़ और जैसे मुरेरगढ़ जाओगे तो इसी मुरेरगढ़ में इसी बुलंद पहाड़ी के नीचे में जो मुरेरगढ़ है उस मुरेरगढ़ में आपको एक किला मिलेगा और ये जो किला होगा इसका नाम होगा मुरेरगढ़ का किला और मुरेरगढ़ का जो किला है ये राजा राजा बुलंद बुलंद शाह शाह का किला है तो राजा का आपको तो क्या मिलेगा किला मिलेगा कहां पर मुरेरगढ़ में तो जब कभी भी आप कहा जाओगे भरतपुर तो भरतपुर में एक किला है चांग बखार हालांकि उसके ऊपर में क्या है मुरेरगढ़ और जो मुरेरगढ़ का जो किला है वो किसका है राजा बुलंद शाह का किला है तो राजा बुलंद शाह का किला कहा मिलेगा आपको मुरेरगढ़ में मिलेगा उसी मुरेरगढ़ के किले के ठीक आगे में क्या है कोटाडोल क्या है कोटाडोल और जब आप ये कोटाडोल जाओगे तो ध्यान देना जब ये कोटाडोल हम जाएंगे तो यहां हमें मौर्य कालीन बहुत अवशेष मिलेंगे इन मौर्य कालीन अवशेषों में जो सबसे उल्लेखनीय अवशेष है इन मौर्यकालीन अवशेषों में जो सबसे उल्लेखनीय अवशेष है वो है सारनाथ के तीन सिंह सिंह वाले क्या स्तंभ मतलब पर एक मूर्ति मिलेगा किसका का मूर्ति वो शेर की मूर्ति जो तीन शेर वाला जो मूर्ति है ना जो सारनाथ में है जो आपका नेशनल एम्बलम भी है यही मूर्ति आपको मिलेगा कहां पर कोटाडोल में तो कोटाडोल क्यों फेमस है ये अशोक कालीन ये कालीन स्थल है तो आप बताओ कि कभी भी अगर आपके मेंस में ये पोस्ट क्वेश्चन आया कि छत्तीसगढ़ मौर्य कालीन युगिन स्थल है तो वहां पर आप ये बता सकते हो कि हाँ बिल्कुल छत्तीसगढ़ एक मौर्य कालीन युगिन स्थल है क्योंकि यहां पर मनेन्दगढ़ जिला में एक स्थल कौन सा है कोटाडोल और कोटाडोल क्या है वहां में क्या मिला है अशोक युगिन तीन सिंह वाले क्या प्रतिमा कहां पर कोटाडोल ठीक है तो ये आपका भरतपुर वाला एरिया हो गया भरतपुर और जनकपुर तो अभी, अब कभी भी भरतपुर जनकपुर जाना होगा तो कौन सा स्टेट हाईवे कहाँ से कहा बिलासपुर से कहाँ भरतपुर तो आपको क्या मिल जाएगा स्टेट हाईवे और जब ये भरतपुर जाएंगे तो भरतपुर को हम क्या बोलते हैं चांग बकार में दो नदी का संगम है कौन कौन सा बनास और पतले नदी बनास नदी और पतले नदी का जो संगम हो क्या है भरतपुर है असी भरतपुर के पास श्री राम का क्या हुआ है प्रवेश हुआ है और श्री राम का अगर प्रवेश हुआ है तो यहां तीन गुफा मिलेगा किस नाम से सीतामढ़ी के नाम से और सीतामढ़ी के नाम से जो तीन गुफा है वो नाम क्या है सीतामढ़ी हर चौका सीतामढ़ी घाघरा और सीतामढ़ी छतौड़ा क्या है छतौड़ा इतनी बातें क्लियर है और मुरेरगढ़ में किसका किला है राजा बुलंद शाह का तो राजा बुलंद शाह का जो किला कहां पर है मुरेरगढ़ में इसके अलावा अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई जो कोटा डोल है ये कोटा डोल कैसा क्षेत्र है तो ये मौर्य युगीन है ये कैसा है मौर्य युगीन इतनी बातें क्लियर है पक्का डन करें चलिए अब ये ध्यान देना ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया को हमने एक नेशनल हाईवे का भी एक नेशनल पार्क का भी रूप दिया है ये दरअसल ये पूरा क्या है नेशनल पार्क है

ये शुरुआत होती है कहां से इसकी सूरजपुर से सूरजपुर के अलावा कहा कोरिया और कोरिया के अलावा कहा मनेन्द्रगढ़ तीनों जिले के उत्तर में आपको एक क्या मिलेगा एक राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा नाम क्या है गुरु घास राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान देना होगा क्योंकि गुरु घास राष्ट्रीय उद्यान जो था ये पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान था कभी भी आप कंफ्यूज मत होना एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में संजय राष्ट्रीय उद्यान है क्या उद्यान है संजय जब आप मध्य प्रदेश जाओगे तो मध्य प्रदेश में दो जगह है दो जिले हैं एक नाम है क्या सीधी और सीधी के पास में क्या है सिंगरौली क्या आपका सिंगरौली सीधी और, और सिंगरौली और इसी सीधी और सिंगरौली के पास एक जगह है नाम है डिब्रू चलो उसको अभी बताऊंगा ठीक है अभी दो बस तो ये ध्यान दो यहां पर क्या है सिंगरौली और सीधी इसी सीधी और सिंगरौली में आपका एक क्या है एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है संजय नेशनल पार्क क्या नाम है संजय नेशनल पार्क जो संजय नेशनल पार्क है इस संजय नेशनल पार्क का स्थापना 1981 को हुआ था और जब 1981 को इसका स्थापना हुआ था तो इसका कुल क्षेत्रफल 1907 स्क्वायर किलोमीटर था कितना था 1907 स्क्वायर किलोमीटर था फिर हुआ ये सन 2000 में छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना सन 2000 को जब छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना तो 7 अगस्त 7 अगस्त 2001 में इसी संजय राष्ट्रीय उद्यान का क्या हो गया बंटवारा हुआ दो राज्यों में संजय राष्ट्रीय उद्यान का एक बहुत बड़ा भाग हमारे कहां पर आ गया छत्तीसगढ़ में आ गया और चौदह उन्नीस का चौदह सौ चालीस दशमलव सात सौ पांच वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में आ गया और इसी चालीस दशमलव किलोमीटर के क्षेत्र को हमने नाम दिया गुरु जो है किससे अलग हुआ है संजय राष्ट्रीय उद्यान से तो अगर ये संजय राष्ट्रीय उद्यान से अलग हुआ है तो आज विद में संजय राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना होगा तो ध्यान देना चार दशमलव सिक्स सेवेंटी फाइव वर्ग किलोमीटर ये क्या है संजय नेशनल पार्क ये क्या है संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क से अलग क्या हुआ है गुरु खांसी दास नेशनल पार्क तो पहले ये संजय नेशनल पार्क 1907 वर्ग किलोमीटर का था आज वर्तमान में जो संजय नेशनल पार्क मात्र 466 का हो रखा है अधिकांश भाग कहां चला गया है गुरु खांसी दास में चला गया है और दूसरी बात ये ध्यान देना होगा अभी हाल ही में इसी गुरु घासदास राष्ट्रीय उद्यान को इसी गुरु घासदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा कर दी गई है और ये हमारे देश का कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व बना है कौन सा नंबर का है बावनवे नंबर का है कि तिरपनवे नंबर का कौन बताएगा ये देश का कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व है फिफ्टी

दशमलव पांच सौ वर्ग किलोमीटर है इसी तमोर पिंगला को हमने जोड़ा किसे गुरु घासी दास क्या नेशनल पार्क से और जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क का जो कुल क्षेत्र कितना है चौदह सौ चालीस दशमलव इन दोनों को हमने ऐड कर दिया अब जब दोनों को ऐड करो कितना होगा हो सात सात पांच बारह और ये कितना तीन सात पांच ये कितना हुआ एक तो कितना हो गया नौ ठीक है फिर ये कितना है ऐसे आएगा ना जोड़ दो तो कितना चौदह चालीस और कितना छह सौ आठ कितना हुआ ये आठ ये कितना हुआ चार छह चार दस और ये कितना है टू जीरो फोर एट है ना तो ये टू जीरो फोर नाइन कुछ होगा क्योंकि यहां पर पॉइंट में भी है ठीक है तो ये ऐसा जाएगा टू जीरो फोर है ना टू जीरो फोर नाइन पॉइंट टू थ्री टू ठीक है तो इतना एरिया आ गया किसमें टाइगर रिजर्व में और इसमें करीब सात सौ अस्सी वर्ग किलोमीटर को हमने और जोड़ दिया कितना सात सौ अस्सी कोर एरिया हो गया ये कोर जोन है मैं पढ़ाऊंगा इसको अलग से और ये बफर जोन है तो कुल कितना हो गया दो सौ बत्तीसम ये नौ आठ चार बारह और सात और एक आठ और ये कितना हुआ दो तो आज बदवान में जो टाइगर रिजर्व बना है कौन सा गुरु इसका कुल क्षेत्रफल कितना है घास वर्ग किलोमीटर और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या बन गया टाइगर रिजर्व क्योंकि इससे पहले जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या था इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्योंकि इंद्रावती टाइगर रिजर्व का जो कुल क्षेत्र था सत्ताईस निन्यानवे

तो संजय राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों को मिला दिया गया है ठीक है और डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या क्या संजय नेशनल पार्क और डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दोनों को मिलाकर क्या बना गया है तो संजय डुबरी टाइगर रिजर्व ये बना है कहां पर मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली में ठीक है और यहीं का जो टाइगर है वो हमेशा कहाँ प्रवेश करते हैं यहां पर प्रवेश करते हैं। इसलिए इसको भी हमने क्या बनाया टाइगर रिजर्व। तो आप ये ध्यान जाए कि, अगर आप कभी भी पूछा कि उत्तर में कौन नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व और नाम क्या है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है कितना है अट्ठाईस वर्ग किलोमीटर कितना है किलोमीटर तो ऊपर का पूरा भाग क्या है टाइगर रिजर्व का भी भाग है है ठीक अब दूसरी बात ये ये ध्यान देना जब आप भरतपुर जनकपुर घूमोगे तो इसी भरतपुर जनकपुर में और, गुफा, हर चौका, घगरा, और इसके अलावा इस में आपको एक गुफा और मिलेगा और इस गुफा को हम बोलते हैं माड़ा गुफा क्या गुफा है बाघ माड़ा मतलब बाघ माड़ा गुफा क्या गुफा है बाघमाड़ा एक बाघ मारा है और बाघ मारा महासमुंद में ये क्या है बाघ माड़ा बाघ माड़ा गुफा के अलावा राजा माड़ा और राजा माड़ा गुफा के अलावा आपको एक और गुफा मिलेगा जिसका नाम है भालू नाम है भालू माड़ा ठीक है तो ये तीन गुफा मिलेगा कहां पर जनकपुर में तो जनकपुर में आपको तीन गुफा मिल गया क्या किया क्या किया बाघ माड़ा गुफा, गुफा और भालू माड़ा गुफा इसके अलावा इसी जनकपुर में इसी जनकपुर में आपको क्या मिलेगा सीता मढ़ी गुफा और सीता मढ़ी गुफा क्या क्या मिलेगा आपको बताओ तीन है क्या किया सीतामढ़ी हर चौका इसको सीता का रसोई मैंने नाम दिया और सीतामढ़ी घगरा और सीतामढ़ी छतौड़ा ठीक है और सीतामढ़ी हर चौका को हम क्या बोलते हैं श्री राम का प्रवेश द्वार कहां पर छत्तीसगढ़ में ठीक है तो ये छह गुफा आपको मिल रहा है इस कहां पर भरतपुर और जनकपुर में और छह गुफा में तीन गुफा क्या है माड़ा राजा माड़ा माड़ा और हरचौका घगरा और छतौड़ा और क्या है छतौड़ा तो, तो आई होप ये आपको याद रहेगा ठीक है तो ये पूरा कंप्लीट हुआ कहा का का? में तो कौन सा पहाड़ी है बलंद पहाड़ी क्या पहाड़ी पहाड़ी है बलंद उस बलंद पहाड़ी के पास क्या है मुरेरगढ़ और मुरेरगढ़ में कौन सा किला है राजा बुलंद शाह का किला उसी के पास नीचे कहा जाओगे आप, जाओ, जाओ आप? भरतपुर और भरतपुर में क्या क्या है बखार का किला चांग देसी रियासत का अब वहीं पर एक मंदिर कौन सा है चांग देवी का मंदिर क्या मंदिर है चांग देवी का मंदिर चांग देवी के मंदिर अलावा यहां महामृत्युंजय मंदिर भी है क्या है महामृत्युंजय मंदिर तो एक और मंदिर मिलेगा कौन सा महामृत्युंजय मंदिर और यही पास में क्या है कोटाडोल और कोटा डोल क्यों फेमस है वहां पर मौर्य क्या मिला है अवशेष तो मौर्य अवशेष कहा मिला है कोटा डोल में मिला है कहा मिला है कोटा डोल ठीक है इतनी बातें क्लियर ही है ठीक है अब आगे बढ़े चलिए अब आगे बढ़ जाते अभी ध्यान देना अब हम यहां से कहा जाएंगे मनेन्द्रगढ़ कहा जाओगे आप मनेन्द्रगढ़ और जब कभी भी यहां से मनेन्द्रगढ़ जाओगे तो ध्यान देना जैसे ही मनेन्द्रगढ़ पहुंचोगे तो मनेन्द्रगढ़ जाते साथ मनेन्द्रगढ़ जहां से जाते साथ हमें सबसे पहले इस मनेन्द्रगढ़ में एक मंदिर मिलेगा नाम है सिरौली मंदिर क्या मंदिर है सिरौली मंदिर तो मनेन्द्रगढ़ में कौन सा मंदिर है सिरौली क्या नाम है सिरौली ठीक है तो मनेन्द्रगढ़ शहर में प्रवेश करोगे एन एस से और जब से जब एन एच से मनेंद्र में प्रवेश करोगे तो इसी मनेन्द्रगढ़ फेमस मंदिर है मनेन्द्रगढ़ का कौन सा मंदिर सिरौली मंदिर इसी सिरौली मंदिर के पास इसी सिरौली मंदिर के पास इस मनेन्द्रगढ़ में एक और शानदार मंदिर है और इस मंदिर का नाम क्या है तो सिद्ध बाबा मंदिर तो मनेन्द्रगढ़ में दो फेमस मंदिर क्या क्या सिरौली मंदिर और सिद्ध बाबा मंदिर और जब मैं मैं सिद्ध बाबा बोला तो सिद्ध बाबा समाज मतलब क्या है नाग देवता क्या है नाग देवता तो जनजाति जीवन में नाग देवता को हम क्या बोलते हैं सिद्ध बाबा क्या बोलते हैं हम सिद्ध बाबा अब दूसरी बात जब आप इस कोतमा से कहा जाओगे मनेन्द्रगढ़ तो कोतमा और मनेन्द्रगढ़ में प्रवेश करोगे तो प्रदेश जब छत्तीसगढ़ आप एंटर करोगे तो जब कभी भी हम मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एंटर करेंगे तो एंटर करते साथ इस बॉर्डर में एक शानदार वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल का नाम क्या है तो करम घोंगा वाटरफॉल क्या बोलो करम घोंगा जलप्रपात तो एक शानदार जलप्रपात भी आपको मिलेगा मंदिर मनेन्द्रगढ़ के पास और नाम क्या है करम घोंगा वाटरफॉल क्या बोलो करम घोंगा वाटरफॉल ये कहां पर है जब कभी भी हम मनेन्द्रगढ़ में प्रवेश करते हैं तो मनेन्द्रगढ़ में प्रवेश करते साथ कौन सा वाटरफॉल मिलेगा गरम घोंगा वाटरफॉल और मनेन्द्रगढ़ में दो आपको क्या मिलेगा शानदार मंदिर क्या किया सिरौली मंदिर और सिद्ध बाबा मंदिर जब इस मनेन्द्रगढ़ मनेन्द्र भ्रमण करोगे तो इस मनेन्द्रगढ़ में होगा ये कि आपका कोरिया से आपके कोरिया से कोरिया के सोनहट से एक नदी आ रही है यहां पर कौन सा आई एम सॉरी कौन सा हसदेव नदी तो ये बहरी कौन सी हसदेव नदी क्या बहरी ये हसदेव नदी और जब ये हसदेव नदी आप देखोगे क्योंकि मनेन्द्रगढ़ हसदेव नदी के किनारे में और इसी हसदेव नदी से मध्य प्रदेश एक नदी आएगी नाम है हसिया नदी नाम क्या है हसिया नदी ये हसिया नदी जो है ये हसदेव से मिल जाएगी कहां पर मनेन्द्रगढ़ तो मनेन्द्रगढ़ जो है ये दो नदी के संगम में है और ये दो नदी क्या है तो हसिया नदी और क्या नदी हसदेव नदी तो हसिया और हसदेव हसिया और हसदेव के संगम में क्या है मनेन्द्रगढ़ तो मनेन्द्रगढ़ किसके संगम में है हसिया नदी और हसदेव नदी के संगम कि आपका मनगढ़ और जब आप इस संगम में जाओगे जब आप इस संगम में जाओगे तो इसी संगम में इसी संगम इस संगम में जाते ही सादा भी देखना इस संगम में आपको फॉसिल पार्क मिलेगा क्या मिलेगा मैरिन फॉसिल पार्क तो आपको यहां पर एक फॉसिल पार्क मिलेगा मैंने क्या बोला यहां दो नदी का संगम है। क्या क्या ये क्या है हसिया नदी और ये क्या है हसदेव नदी तो ये हसदेव है और ये क्या है हसिया है और इस दोनों के संगम में क्या है मनेन्द्रगढ़ क्या आपका मनेन्द्रगढ़ और जब ये मनेन्द्रगढ़ जाओगे तो इसी संगम में आपको मिलेगा गोंडवाना मैरिन फॉसिल पार्क फॉसिल पार्क क्या गुंडवाना मैरिन फॉसिल पार्क और जो गोंडवाना मैरिन फॉसिल पार्क है ये परमियन काल का है जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो आखिर में पढ़ाऊंगा कि परमियन एक एज है जैसे आर्कियन ठीक है आर्कियन इोजोइक इोजोइक के बाद हम पढ़ेंगे सीनोजोइक जब सीनोजोइक हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वहां पर बहुत सारे अलग अलग क्या आएंगे एज आएंगे सीनोजोइक पढ़ेंगे हम ठीक है सिलोरियन डिवोनियन कार्बनिफेरस फिर परमियन परमियन के बाद पर ट्रैसिक फिर जुरासिक फिर इोसिन मायोसिन प्लायोसिन होलोसिन फिर होलोसिन तो ऐसे करके बहुत सारे क्या है एरा है आपके पृथ्वी के तो वहां पर एक परमियन एज है जो परमियन काल है ये वो काल है जब पेंजिया का विखंटन होगा तो परमियन एज के आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे मिलेंगे में किस एज के हैं परमियन परमियन एज एज के के हैं तो क्या मिल गया आपको फॉसिल कहां पर मनेंद्रगढ़ में तो इसको हाल ही में हमने क्या बना दिया है तो हाल ही हमने इसको गोंडवाना मैरिन फॉसिल पार्क बनाया है और ये एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो फॉसिल पार्क है वो कहां पर है मनेन्द्रगढ़ में और नाम क्या है गुंडवाना मैरिन पार्क वो क्या है गुंडवाना मैरिन पार्क और गोंडवाना मैरिन फॉसिल पार्क जो है वो किस एज का है तो परमियन एज का है यही परमियन एज था जहां पर पेंजिया क्या होता है डिसइंटीग्रेट होता है और दो और पेंजिया जब टूट जाता है तो दो लैंड बनेंगे कौन सा बता बता चुका हूं मैं लॉरेशियन और गोंडवाना लॉरेशियन और गोंडवाना लॉरेशियन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं अंगारा लैंड तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड तो ये परमियन एज है तो परमियन एज का आपको फॉसिल मिलने वाला है मनेंद्रगढ़ में और मनेंद्रगढ़ जो है वो दो नदी के संगम में क्या क्या हसदेव नदी और हसिया नदी क्या क्या हसदेव नदी और हसिया नदी के संगम में क्या है मनेंद्रगढ़ और इसी मनेंद्रगढ़ में दो शानदार आपको मंदिर मिला क्या क्या सिरौली मंदिर और क्या सिद्ध बाबा मंदिर क्या मंदिर है सिरोली मंदिर और सिद्ध बाबा मंदिर कहां पर मनेंद्रगढ़ में इतनी बातें क्लियर ठीक है ठीके? और यही पास में एक जलप्रपात कौन सा है कर्मा घोंगा इसी नदी में हस्य नदी में क्या है कर्मा घोंगा वाटरफॉल क्या वॉटरफॉल यहां पर कर्मा घोंगा ठीक है चलिए बताइए भरतपुर में भरतपुर को हम कौन सा देसी रियासत बोलते हैं भरतपुर को हम कौन सा देसी रियासत बोलते हैं मैं नहीं बोलूंगा आप ही बताओगे भरतपुर को कौन सा देसी रियासत है बोलते हैं चांग बखार देसी रियासत और भरतपुर में कौन सा मंदिर है चांग देवी का मंदिर इस बात को बता देना क्या है चांग देवी का मंदिर कहां पर है भरतपुर में ठीक है इसके अलावा आप लिख लेंगे ये जो मनेन्द्रगढ़ है इस मनेन्द्रगढ़ के आसपास बहुत सारे क्या है कोयला का क्या है है क्योंकि मालूम कि कोरिया जो जिला था वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है कोयले के, तो के, के, है? है। के पास जो कोयले के जो कॉलरिस है उसमें एक नाम है राजनगर झगराखंड रामनगर और खोगा पानी मैं देता हूं ये मनेन्द्रगढ़ यहीं पर क्या है खोंगा पानी खोंगा पानी के नीचे में झगड़ाखंड थोड़ा एमपी के बॉर्डर में है रामनगर और राजनगर रामनगर राजनगर और महिंद्र के ठीक नीचे में है पांडो पारा तो ये पूरे एरिया ये पूरे एरिया जैसे क्या पांडोपारा राजनगर रामनगर खोंगापानी और झगराखंड ये सभी एरिया ऐसे एरिया जहां पर क्या है कोल कोयला का क्या है कॉलरीज़ है कहां पर मनेन्द्रगढ़ के तो मनेन्द्रगढ़ के आसपास जो कोयले की जो कॉलरीज़ है वो क्या क्या है राजनगर रामनगर पांडोपारा खोंगापानी और झगराखंड। और क्या है झगराखंड तो। क्या क्या बताओ राजनगर रामनगर पांडोपारा खोंगा पानी और झगड़ाखंड ये वो जगह है जहां पर आपको क्या मिलेगा क्या मिलेगा कोयला ये कोयले के खदान है यहां पर कहां पर ये पुरे वाला एरिया में तो मतलब जो मनेन्द्रगढ़ जो नया जिला बना यहां प्रमुख मिनरल है वो क्या है जो प्रमुख मिनरल वो क्या है कोयला है और कोयले के खदान कहां कहां मिलेंगे राजनगर रामनगर खोगा पानी और पांडोपारा और क्या है पांडोपारा ठीक है तो ये सब वो जगह है जहाँ पर क्या मिलेगा आपको? कोयला। इसके अलावा और हसदेव जब, जब संगम होता है तो इसी संगम के पास एक जलप्रपात आपको मिलता है और ये जो जलप्रपात है इस जलप्रपात को हम बोलते हैं बनिया धारा जलप्रपात नाम क्या है बनिया धारा तो आपको यहां पर एक और जलप्रपात मिलेगा कहां पर मनेन्द्रगढ़ में और ये जो जलप्रपात इसका नाम क्या है बनिया धारा वाटरफॉल तो एक बनिया धारा वाटरफॉल हो गया ठीक है और बनिया धारा वाटरफॉल के अलावा क्या है तो बताएंगे भाई मैं नहीं बोलूंगा तुम लोग तो बनिया धारा वाटरफॉल और करमा घोंगा इसके अलावा जो मनेन्द्रगढ़ में भी एक शानदार वाटरफॉल नाम है अमृत धारा अमृत धारा ये सबसे फेमस वाटरफॉल है कहां का मनेन्द्रगढ़ का तो मनेन्द्रगढ़ का जो सबसे फेमस वॉटरफॉल कौन सा है अमृत धारा वॉटरफॉल तो तीन वाटरफॉल मिल गए कहां पर मनेन्द्रगढ़ में कौन कौन सा बनिया धारा और कर्मा घोंगा और अमृत धारा और क्या है अमृत धारा ठीक है तो ये सब आपको क्या मिल जाएंगे वॉटरफॉल कहां पर मनेन्द्रगढ़ में और कौन कौन सा मंदिर है सिरौली मंदिर और क्या है सिद्ध बाबा मंदिरौली मंदिर और सिद्ध बाबा मंदिर ठीक है इसके अलावा अमृतधारा से पहले यहां एक और वॉटरफॉल नाम है बर्फ पानी वाटरफॉल क्या नाम है बर्फ पानी वाटरफॉल तो बर्फ पानी अमृत अमृतधारा वॉटरफॉल और कर्मा घोंगा वाटरफॉल और बनियाधार वाटरफॉल और क्या है बनियाधार तो इतने सारे आपको क्या मिल जा रहे हैं वाटरफॉल कहां पर महिंदगढ़ याद रहेगा सब चीजें याद रहेगा पक्का क्लियर ये तो ये सब क्या है वाटरफॉल हालांकि एक और वाटरफॉल है होगा ये कि जब आप यहां से जाओगे मनेन्द्रगढ़ से कहा भरतपुर अब मैं थोड़ा डिटेल में जा ही रहा हूं तो एक और बताई दे रहा हूं आप लोगों को जब जाओगे कहा एस एस एट से कहा भरतपुर तो यहां पर एक घाट मिलता है इस घाट को हम बोलते हैं नंकी घाट क्या घाट है ये ननकी घाट और जब ननकी घाट जाओगे तो नंकी घाट में भी एक वाटरफॉल मिलेगा नाम क्या है नंकी घाट वाटरफॉल नाम क्या है नंकी घाट तो मान लो अब एग्जाम में आपको पूछ देगा कि महेंद्रगढ़ के पास कौन कौन सा वॉटरफॉल है तो क्या क्या करम घोंगा वॉटरफॉल और क्या है बनियाधार वॉटरफॉल और क्या है अमृत धारा वाटरफॉल और क्या है बर्फ पानी वाटरफॉल और क्या है नंकी घाट वॉटरफॉल तो कौन सा घाट है यहां पर नंकी घाट तो नंकी घाट वॉटरफॉल क्या वॉटरफॉल है नंकी घाट वॉटरफॉल ठीक है तो ये सभी वाटरफॉल है आप कहां पर मनेन्दगढ़ में तो मनेन्द में जो वाटरफॉल वो क्या है करम घोंगा वाटरफॉल बनियाधारा वाटरफॉल अमृत धारा वाटरफॉल वाटर बर्फ पानी वाटरफॉल और नंकी घाट वाटरफॉल क्या वाटरफॉल है नंकी घाट वाटरफॉल और ये सभी कहां पर है मनेन्द्रगढ़ जिले में क्लियर है कहानी तो मैपे डाल इसको अपन तो क्या क्या वाटरफॉल हो गया जी यहाँ पर तो देता हूं मैं तो क्या क्या हो गया तो अगर ये मनेन्द्रगढ़ जिला है तो हमने बोला भाई मनेन्द्रगढ़ क्या वाटरफॉल है यहां पर क्या है करम घोंगा वाटरफॉल क्या है करम घोंगा वाटरफॉल और ये घाटी कौन सा है नंकी घाट तो किलहारी में क्या घाट है नंकी घाट और इसी नंकी घाट से आप कहां जाते हो भरतपुर और नंकी घाट में कौन सा वाटरफॉल है नंकी घाट वाटरफॉल यहां पर क्या है अमृत धारा वाटरफॉल और यहां पर क्या है बनियाधार वाटरफॉल और बर्फ पानी वाटरफॉल क्या है बर्फ पानी वाटरफॉल तो ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल आपको मिलने वाले हैं एक शानदार जिले में और ये जिला कौन सा है मनेन्द्रगढ़ जिला क्लियर कहानी पक्का और यहां पर कौन कौन से कोयले के खदान है, है? रामनगर और राजनगर और पांडोपारा और खोंगापानी पानी और झगराखंड और क्या है झगराखंड तो तो कहानी कान, हो गया कहां का मनेन्द्रगढ़ का ठीक है अब थोड़ा आते हैं कहां पर हम चिरमिरी और चिरमिरी जाने के लिए कौन सा जाओगे आप

नाम क्या है बरदर डैम तो यहां पर आपको डैम मिल गया कौन सा बरदर डैम तो खरगवा में कौन सा डैम है? क्या डैम है तो खड़गवा से चिरमिरी तो तो जाने के लिए यहां पर आपको एक घाटी को क्रॉस करना पड़ेगा और ये जो घाटी है इस घाटी को बोलेंगे छत्तीस मोड़ क्या आप छत्तीस मोड़ ठीक है तो छत्तीस मोड़ घाटी बोले यहां पर छत्तीस मोड़ है

छत्तीस छत्तीस बत्तीस मोड़ आई सॉरी कितना मोड़ है बत्तीस मोड़ तो बत्तीस मोड़ घाटी बत्तीस मोड़ को आप ऊपर जाओगे क्या मिलेगा आपको हिल कहा जाओगे आप डोमन हिल देखो समझो बात को ये क्या है 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 चिरमिरी ठीक तो चिरमिरी प्रवेश करने के लिए कितने मोड़ कितने मोड़ छत्तीस कितने बत्तीस मोड़ तो ऐसे कितने मोड़ है यहां पर बत्तीस कितने ऊंचा घाटी है और ऊंचाई में आपको फिर क्या मिलेगा एक पहाड़ और ये जो पहाड़ नाम क्या है डोमन हिल नाम क्या है डोमन और ये क्या है बत्तीस मोड़ ये क्या है बत्तीस मोड़ घाटी कहां जा रहे हो खड़गावा से चिरमिरी और जैसे ये डोमन हिल जाओगे तो डोमन हिल में यहां मिलेगा कुरासिया क्या मिलेगा आपको यहां पर कुरासिया कुरासिया एक कोल वॉशरी है इस कुरासिया कोल वॉशरी का स्थापना 1929 को हुआ है कब हुआ 1929 को तो 1929 को यहां पर एक कोल माइंस बना नाम क्या है कुरासिया क्या बना है कुरासिया

तो यहां पर दो पहाड़े एक है डोमन हिल तो यहाँ पहाड़ नाम है चीता माड़ा क्या नाम है चीता माड़ा पहाड़ी तो यहां पहाड़ कौन सा है चीता माड़ा चीता माड़ा पहाड़ी डोमन हिल और क्या है चीता माड़ा पहाड़ी ठीक है कोरिया देशी रियासत राजा रामानु प्रताप सिंह देव अंतिम चीता का शिकार किए थे भारत के वो जो चीता है ना वो इसी इसी एरिया में रहते थे नाम क्या है चीता माड़ा और चीता माड़ा पहाड़ी के पास यहां पर है कोरियागढ़ का पहाड़ी क्या है कोरियागढ़ की पहाड़ी तो ये कोरियागढ़ की पहाड़ी ये कोरिया देसी रियासत का सबसे पहला राजधानी था इसके बाद राजधानी बना बैकुंठपुर ठीक है तो नाम क्या है की पहाड़ी और क्या डोमन हिल क्या है डोमन हिल तो पूरा पहाड़ है और जब इस पहाड़ में चढ़ जाओगे तो सबसे पहले यहां मिलेगा हल्दी बाजार क्या है हल्दी बाजार असी हल्दी बाजार के आगे मिलेगा पौड़ी क्या मिलेगा आपको पौड़ी हल्दी बाजार और पौड़ी हल्दी बाजार जो है वो पूरा पहाड़ में है पूरा क्या है पहाड़ मतलब समझ जाओ जैसे आप शिमला जाते हो तो शिमला में क्या रहता है कि पूरा पहाड़ का घाट है और उसी में घर बने हुए हैं नीचे से ऊपर तो वैसे यहाँ पर ऐसे घर पूरे बने हुए हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप साइकिल में घूम रहे हो और गलती से आपका साइकिल का क्या हो गया ब्रेक फेल तो बच्चों के नीचे कहा जाओगे खाई में गिर जाओगे ये ऐसा पूरा क्या है घाट है कौन सा

माड़ा पहाड़ और ये जो चिरमिरी है ये क्या है हिल स्टेशन भी है कौन सा आपका चिरमिरी इसी चिरमिरी के पास आपको कुछ कॉलरी मिलेगा ऐसे क्या है एक वेस्ट कॉलरी वेस्ट चिरमिरी कॉलरी मतलब ये भी कोयले का क्या खदान है एक कुरासिया कॉलरी एक पास में ऊपर में चंदिया क्या है नॉट चंदिया चंदिया नहीं है यहां पर सॉरी ठीक है सॉरी कटकोना क्या नाम है कटकोना कटकोना कोना और यहां पर चर्चा क्या नाम है चर्चा तो चिरमिरी के पास कौन सा कॉलरी है चर्चा कॉलरी कटकोना कॉलरी वेस्ट चिरमिरी कॉलरी और क्या चिरमिरी कटकोना और चर्चा चर्चा और चिरमिरी 1928 और कुरासिया और कटकोना उन्नीस सौ ध्यान देना बात को ठीक है तो 1928 1929 में बना हुआ ये क्या है कॉलरीज और कॉलरीज का नाम क्या है चर्चा कॉलरी और क्या कटकोना कॉलरी और क्या चिरमिरी कॉलरी और हल्दीबाड़ी और कुरासिया ठीक है अब मान लो कभी आपका एग्जाम में ये पूछ दिया कि आपके प्यारे मनेंद्रगढ़ जिला का कोयले का क्षेत्र कौन कौन सा है तो आप बता पाओगे क्या क्या है बताओ भाई वेस्ट चिरमिरी और कुरासिया और कटकोना और चर्चा और हल्दीबाड़ी और बताए भाई वेस्ट शर्मिरी कुरासिया कटकोना चर्चा हल्दीबाड़ी और खोंगा पानी और झगड़ाखंड और पांडोपारा और राजपुर और रामपुर राजपुर और रामपुर क्या है और रामपुर रामनगर क्या है रामनगर अच्छा राजनगर और रामनगर सॉरी राजनगर और रामनगर तो पूरे एरिया कैसे हैं कोरिया जिले के कोयले के क्षेत्र तो कोरिया जिले का जो कोयले का क्षेत्र वो क्या क्या है वेस्ट और कुरासिया और कटकोना बोलना बड़ी जल्दी है भाई क्या है कटकोना और चर्चा और, और खोगा पानी और ठीक है इसके अलावा लिख ले लो लेदरी और नया लेदरी ये भी दो जगह है लेदरी और तो ये पूरे एरिया मनेन्द्रगढ़ के क्या है कोयले के एरिया किसके हैं तो मनेन्द्रगढ़ है, है. लेदरी, नई लेदरी रामनगर राजनगर पांडोपारा जगराखंड खोंगापानी हल्दी बाजार कुरासिया कटकोना पश्चिम चिरमिरी और चर्चा क्लियर है तो ये पूरा एरिया कैसा हो गया यहाँ का कोयले का क्षेत्र तो कोरबा जिले का कोयले का क्षेत्र क्या है? मनेन्द्रगढ़ जिले का जो कोयले का जो क्षेत्र है पश्चिम चिरमरी कुरासिया कटकोना चरचा हल्दीवाड़ी खोंगापानी पानी झगराखंड पांडोपारा राजनगर रामनगर लेदरी और नया लेदरी लेदरी और नया लेदरी तो ये सभी जगह आप कैसे है? हैं कोयले के क्षेत्र के कहा जिले के, है? जिले के. तो ये क्या है चिरमरी वाला एरिया पर ठीक है दूसरी बात आपको यह ध्यान देना होगा दूसरी बात आपको यह ध्यान देना होगा कि यहां पर एक रेलवे ट्रैक भी आया बीबी लहिदी बीबी लहिदी एक रेलवे इंजीनियर था और बीबी लहिदी ने इस रेलवे ट्रैक का निर्माण किया ये रेलवे ट्रैक जो है ये बोरीडांड बिजूरी बिजोरी से बोरीडांड आया पहले बोरीडांड मतलब आपका कहां पर है ये मनिंदगढ़ और बोरीडांड से यह आया कहां पर चिरमिरी कहां पर आया ये चिरमिरी

बिलासपुर से झारसुगड़ा जो रेलवे ट्रैक है उसका निर्माण करने वाला नाम है जगमल भाई राम जी तो जगमल भाई गंगजी और जगमल भाई राम जी जगमल भाई राम, राम जी सावड़िया और जगमल भाई गंगजी सावड़िया इन्हीं के नाम से आपके बिलासपुर में जगमल चौक है क्या चौक है जगमल चौक है। और जो जगमल भाई है ये छत्तीसगढ़ के पहले रेलवे इंजीनियर है पहले रेलवे कॉन्ट्रैक्टर है छत्तीसगढ़ के पहले रेलवे कॉन्ट्रैक्टर कौन है जगमल भाई गंगजी और जंगमल भाई राम जी इन्हीं ने नागपुर से हावड़ा रेलवे लाइन बिछाया था जो तो जो आपको रेलवे लाइन दिखता है ना इसको बिछाने वाले कौन है जगमल भाई है इसीलिए यहां पर चौक का नाम क्या है जगमल चौक नाम क्या है जगमल चौक और ठीक है रामानुज प्रताप सिंह देव के समय में हुआ यहां पर, ये। कि यहां पर एक आदमी बीबी लोहेदी ऐसी बीबी लोहिदी ने चिरमिरी तक रेलवे लाइन को बिछाया था और चिरमिरी तक रेलवे लाइन को बिछाने का कारण यह था क्योंकि यहां पर क्या था कोल थे और जो कोल है वो तो मैं बता चुका हूं क्या क्या नाम है चिरमिरी कटकोना चर, चर्चा हल्दीबाड़ी खोंगा पानी झगराखंड पांडोपारा राजनगर रामनगर लेदरी और नया लेदरी ये पूरे एरिया क्या है ये पूरे एरिया मनेन्द्रगढ़ के ऐसे एरिया जहां पर क्या है कोयला है? है क्लियर है कहानी तो ये मैंने कंप्लीट किया आपका क्या मनेंद्रगढ़ जिला जिला ये तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मनेंद्रगढ़ ठीक है तो लगभग मैंने हर एक पॉइंट बता दिया यहाँ पर ठीक है कहाँ का मनेंद्रगढ़ जिले का ठीक है तो एक बार रिकॉल कर लेंगे अपन इसको तो मनेंद्रगढ़ जिले का स्थापना कब हुआ है कब हुआ जी कब हुआ 9 सितंबर 2022 तो 9 सितंबर 2022 को आपके छत्तीसगढ़ में कितने जिले का निर्माण हुआ है दो जिले कौन कौन सा मनेंद्रगढ़ और बोलना पड़ेगा मनेंद्रगढ़ और शक्ति शक्ति छत्तीसगढ़ का नवीनतम जिला है तैतीसवें नंबर का और मनेंद्रगढ़ बत्तीसवें नंबर का इसके अलावा मनेंद्रगढ़ जिला किससे अलग हुआ था कोरिया से मनेंद्रगढ़ कौन से नंबर का जिला है बत्तीसवें नंबर का जिला है क्या नाम जिला है ये बत्तीसवें नंबर का जिला है इसके अलावा जो मनेंद्रगढ़ में नदियां क्या क्या हसदेव नदी और गोपद नदी और बनास नदी और रपा, रापा नदी और बनियाधार और हसिया नदी और पतले नदी ठीक है तो ये सभी नदियां हैं कहां पर कहां पर मनेन्द्रगढ़ में ठीक है तो ये सभी नदियां हैं कहां पर मनेन्द्रगढ़ में ठीक है अब मनेन्द जो है वो किस नदी के किस अंगम में है हसदेव और हसिया नदी के संगम में क्या है मनेंद्रगढ़ और भरतपुर किस नदी के संगम में है बनास और पतले नदी के संगम में क्या है भरतपुर है क्या आपका भरतपुर इसके अलावा आप मुझे बताइए यहां कौन कौन सा वाटरफॉल है अमृतधारा वाटरफॉल कर्मा घोंगा वाटरफॉल और क्या बर्फ पानी वाटरफॉल और बनियाधार वाटरफॉल और नंकी घाट वाटरफॉल और अमृतधारा वाटरफॉल और यहां का जो मेजर मिनरल क्या है कोयला है क्या आपका कोयला और कोयला कहां का मिलेगा रामनगर राजनगर क्या है पांडो पारा कटकोना कुरासिया चर्चा चिरमिरी हल्दी बाजार झगड़ाखंड नया लेदरी और लेदरी ठीक है इसके अलावा इसका जिला मुख्यालय क्या है मनेन्द्रगढ़ और यहाँ वाइल्ड लाइफ में क्या है नेशनल पार्क कौन सा गुरु घासीदास नेशनल पार्क और जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क इसका स्थापना कब हुआ है सात अगस्त दो कितना क्षेत्रफल है चौदह सो चालीस दशमलव सात सौ पांच उसको हाल ही में क्या मनाया गया टाइगर रिजर्व किसको मिलाकर संजय संजय संज, संज, क्या बोल रहा है यार तमोर पिंगला तो कुल कितना है अट्ठाईसो उन्तीस वर्ग किलोमीटर और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है टाइगर रिजर्व ठीक है तो ये कंप्लीट होता है कि आपका मनेंद्रगढ़ जिला मैं लगभग पूरा कंप्लीट कर चुका है ज्यादा कुछ मिलेगा भी ना किसी किताब में मिलने वाला आपको ठीक है चलिए तो आज इतने पढ़ेंगे अपन है ना थैंक यू